आज हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत। कल मैंने आप लोगों से बातचीत किया था चिकित्सकीय मनोचिकित्सकीय और कुछ डिजीज के बारे में, कुछ बीमारियों के बारे में। उसी के संबंध में आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट यूजीसी नेट एमपीसेट के साथ साथ, अगर हम बात करें जो समाज सेवा अधीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र में, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना। ये चिकित्सा समाजकारी और मनोचिकित्सा समाजकारी से महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट नंबर 9 से। यूनिट नंबर 9 से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एक प्रकार से बताना चाहता हूँ कि परीक्षा अब नजदीक आती जा रही है। आपके सामने आप देख रहे हैं आज 25 मई हो गया है, इसमें 5 से 6 दिन रह गए हैं, है ना। और आपका मान के चलिए उसमें 12 दिन है, तो कुल टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं आप लोगों से सोशल वर्क का पेपर के लिए, सोशल वर्क के पेपर के लिए तो 20 दिन है टोटल, इससे कम ही है, 15 दिन मान सकते हैं या 20 दिन मान सकते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में होगा आपका एग्जाम। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप स्टडी किस तरीके से करें और इसमें और कब करें और कितना स्टडी करें और किन चीजों पर फोकस करें, है ना। सबसे पहले आप ध्यान रखें सुबह के समय में, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, सुबह के समय में आप लोगों को 4 से 6 2 घंटा सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ स्टडी का मतलब ये है कि जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना है सुबह के समय में 4 से 6। और ये प्रतिदिन करिए, आप ज्यादा दिन नहीं रह गया, 15 से 20 दिन है, तो 15 से 20 दिन ही केवल करके इतना दिखाइए, 4 से 6, केवल 4 to 6, यानी 2 घंटे आपको पढ़ना है अपने से। सर जो नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जो पीडीएफ दी जा रही है, वो आपको पढ़ना है, पहला। दूसरी बात, जब भी आप पढ़ रहे हैं सुबह, या जब मैं भी क्लास ले रहा हूँ, अगर आप एक्स्ट्रा कोई कंप्यूटर चलाते हैं, अगर घर पे वाईफाई है, तो पहली बात तो फ्लाइट मोड लगा दीजिए, ठीक है। इस समय की बात मैं कर रहा हूँ जो बचा हुआ है, यानी आप ये समझिए, एक बार म्यूट हो जाइए, सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है आपके सामने। ना ही व्हाट्सएप चेक करना है आपको, ना ही आपको टेलीग्राम वगैरह चेक करना है, ना ही आपको यूट्यूब और ना ही आपको गूगल। ध्यान दीजिएगा कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, मैं उसको पढ़ने के लिए आपको बात कर रहा हूँ आपसे, कि वो फोकस करे 2 घंटे, है ना। ये नहीं कि अगर इसमें भी, अगर मान लो बाय द वे कोई टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, तो अपने ही कॉपी में एक अलग से पेज बनाइए और वहां पे डाउट लिखिए, और उस डाउट पर आप बाद में कवर करिए 6 बजे के बाद, तुरंत मत करिए 6 बजे के बाद, है ना, तुरंत मत करिए। ये चीज आप खास कर ध्यान रखिए। तो सोशल मीडिया यानी जो रील वगैरह है, बहुत बच्चे होते हैं ना रील वगैरह देखना शुरू करते हैं, ये सब बंद कर दीजिए 15 से 20 दिन केवल आपको, ठीक है। वहीं आपको अगर अच्छे नंबर लेके आना है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, यूनिट नंबर 10 तक भी, जो मैंने एक शॉर्ट में सिलेबस भेजा है, शॉर्ट सिलेबस भेजा है, आप यूट्यूब उस पर देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, वहाँ पे शॉर्ट वाला सिलेबस जो मैंने दिया है यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के, उसको कवर करने का प्रयास करें। ये तीसरी एक महत्वपूर्ण तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आपको वही वही चीजें कवर करनी है। जैसे तो अगर मैं आपसे बात करूँ, हिस्ट्री पढ़नी है आपको, ठीक है, वैसे प्रिंसिपल वगैरह तो आपको पता ही है ना, सोशल वर्क की हिस्ट्री पढ़नी है, फिर उसके बाद समाज सुधारक के नाम पढ़ने हैं, उसके वर्ष पढ़ने हैं, वही मेन मेन चीजें आप लोगों को ध्यान देना है यूनिट नंबर 1 से लेकर 10, जो मैंने शॉर्ट सिलेबस बनाया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो PYQ है, जब आप प्रश्न करें PYQ में, तो ध्यान दीजिएगा कि हर एक प्रश्न के पीछे जो है, आप जानते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, उन चारों ऑप्शन को समझने का प्रयास करें। उसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑप्शन आपको अगर नहीं आ रहा है 4 ऑप्शन में, तो उसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, उसको समझिए, क्योंकि वो भी प्रश्न बना सकता है, ऐसे ही नहीं आ गया वो आपके क्वेश्चन पेपर में 4, है ना, कोई ना कोई रीजन रहता है 4 ऑप्शन में, ठीक है। अगर वो आया है तो इसका मतलब कुछ रीजन है, ठीक
है, इसलिए उस चार ऑप्शन में आप उनको समझने का प्रयास करें। पीवाई क्यू, मैं जो पढ़ाता हूँ, जब मैं क्वेश्चन शाम को डेली प्रतिदिन आपको पीवाई क्यू दिखाता हूँ, उनको समझें और उस पर कॉपी पर अपने शॉर्ट नोट्स आप बना ही रहे हैं उस पर आप मेंशन करें कुछ, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए कोई बच्चा भी अनम्यूट है, म्यूट हो जाए, बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपके यहाँ से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो जब से ये पीवाईक्यू हो गया और जब क्लास पीवाईक्यू की या कोई भी क्लास मेरी फिनिश होती है, तो आपने जो नोट्स बनाए हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट का समय दीजिए उस नोट्स पे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट। कहने का मतलब ये कि ऐसे नहीं पढ़ना कि कॉपी हमने देखा और इस तरीके से पढ़ लिया। जो आपने नोट्स बनाया है उसको एक बार, एक पेज अगर बनाया है तो एक पेज को देख लीजिए, उसके बाद पेज जो है कॉपी को बंद करिए और फिर एक बार मनन करिए कि ये चीजें इसका है, ये चीजें इसकी। जैसे अगर मैंने मान लो वहां पे लिखवाया है आप लोगों से कि कौन सोशल वर्क का जो मेथड है, इंट्रोडक्शन जो सोशल वर्क के बारे में बात की गई है, ग्रेस मैथ्यू ने कहा है, तो अगर वहां पे लिखा है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मनन कर लीजिए कि हाँ ये बात इसने कहा है। सामाजिक नीति को एक प्रकार से सेवा में बदलने की कोई बात कहा है तो जॉन किडना ने कहा है, तो इस बात को तुरंत आप वहां पर के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो इस तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करें, जब क्लास समाप्त हो जाए तब जो कंटेंट मैंने बनाए हैं या जो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं और जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं, उसके बाद आप अवश्य देखें उसको, तुरंत देखें। ये नहीं आप वादा रखें कि भाई नहीं अभी 15-20 मिनट बाद देखेंगे, है ना। और जो जैसे अगर मैं बात आपसे करूं, जैसे आपको वर्ष नहीं याद हो रहे हैं, यदि आपको वर्ष नहीं याद हो रहे हैं, तो यहाँ आपके पास 15 से 20 दिन का एक ही तरीका है। उन जो जो इम्पोर्टेंट है, मैं आईपी करके लिखवाता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को, उनको अपना कॉपी पर लिख कर याद करने का प्रयास करें। यानी कोई कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर आप क्या करें, उस पहले किताब का नाम लिखें, पुस्तक का, और बुक के नाम लिखने के बाद आप ऑथर का नाम लिखें, और उसके बाद उस किताब में वर्ष को जरूर मेंशन करें, यानी ईयर्स को आप जरूर मेंशन करें। ये 10 से 15 दिन है। अगर आप सोचो, अगर एक दिन में अगर आप एक पेज करते हैं, यानी आपको मान के चले तो यहाँ पे 22 जो लाइनें होती हैं, 22 से 25, यानी 22 से लेकर 20-25 तक की लाइनें होती हैं, तो आप सोच लीजिए कि अगर आप अगर यही 22 लोगों का नाम, 22 किताबों के नाम अगर आपने 7 दिन किए, यानी एक सप्ताह अगर आपने कर दिया, ठीक है, तो वैसे भी याद हो जाएंगे, है ना। एक ही चीज लिखना है, बार बार लिखना है ना। जब एक बार याद करने, पांच पांच याद होने के बाद फिर आपको मेंशन करना है, फटाफट लिखना है, फिर आपको पांच याद करने हैं, फिर फटाफट आपको पांच लिखने हैं, ठीक है। बीच बीच में अगर नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो अपने कॉपी पर, आप उसे देख सकते हो, देख लीजिए। और इस तरीके से आप एक सप्ताह करिए, आपको ये चीज़ तय है कि आपको याद हो जाएगा, चाहे वो किताब का नाम हो, चाहे कोई भी इतिहास वगैरह में कोई भी मेन मेन अगर वर्ष है जहाँ पे याद नहीं हो रहे हैं ऐसी कंडीशन पर, ठीक है। समय का जो है आप सही तरीके से उसका उपयोग में लाएं, समय को याद रखें, है ना। तो इतनी चीजें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे किसी चीज पर, अगर कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वह आप नोट करें, आप हमसे पूछें, और जो चीजें अगर आप जिस पे आपने सही जवाब दिया है, जिस क्वेश्चन का जवाब आपने सही दिया है, उस पे एक प्रकार से ओवर जैसे थिंकिंग करें, क्या करें उस पे थिंकिंग करें, ठीक है, यानी उस पर आप विचार करें ये ऐसे हो सकता है। परंतु एक बात ध्यान रखें, थिंकिंग इस परिपेक्ष में करना है जिसके परिपेक्ष में आपने पढ़ा है, ओवर थिंकिंग ना करें, है ना। कुछ चीजें उसके बारे में गलत इमेजिन करके ना सोचें, ध्यान रखें, ओवर थिंकिंग से बचें, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, और जब भी आप किसी चीज को अगर आपको पढ़ना है या उसके करना, तो उसके पहले एक बार जरूर आप प्लानिंग कर लें कि हमें जो है आज कौन सी यूनिट को कवर करनी है। पहले आप प्लान कर लें, यूनिट नंबर आज आप एक पढ़ेंगे तो यूनिट नंबर एक को ही आप समाप्त करिए। अब अपने तरीके से आप पढ़िए, चाहे वो एक दिन लग रहा है, चाहे वो 2 दिन लग रहा है, ठीक है। अब हरियंट की किताब के एमसीक्यूज को भूल जाइए। अब इस समय 15 से 20 दिन में हरियंट के जो एमसीक्यूज दिए गए हैं उसको टच नहीं करना है आप लोगों को। मैं उसे करवाऊंगा, मैं उसे अपने तरीके से जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ उसको करें, क्योंकि हरियंत के किताबों में क्वेश्चन गलत है। यदि आपने वो पढ़ के जाते हैं तो वो आपके मन में एक प्रकार से कंफ्यूजन पैदा कर देता है। अब पेपर में ऐसे ही हुआ था, एक बार पेपर में क्रियात्मक अभिगम आया था जहाँ पे जस्से ट्राफ्ट लिखा था और ऑटो रैंक था। बहुत बच्चे ऐसे जस्से ट्राफ्ट करके आए थे, जो कि मैं उन लोगों को बार बार बता रहा था कि जो क्रियात्मक अभिगम है वो ऑटो रैंक, और यही रीजन रहा था।
अब इस किताब के कुल हरियंत को अगर आपको फॉलो करना है तो केवल कंटेंट उसका पढ़िएगा, टॉपिक उसका पढ़िएगा, क्वेश्चंस को मत पढ़िएगा, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। 15 से 20 दिन उसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, उसको आप देखें, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, आज मैंने आप लोगों से कल शाम को मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की PDF भेज दिया है। आज फिर मैं 9:30 से आप 9:30 के बाद आपको जो है यूनिट नंबर 6 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी PDF भेज दूंगा, ठीक है? ये PDF समाप्त हो जाने के बाद, जैसे ही PDF का प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, फिर मैं आपको वीडियो का, हालांकि मैंने प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी पहले भेज रखा है, फिर दोबारा से आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की प्लेलिस्ट आप लोगों को भेज दूंगा। इस समय सोशल वर्क की कोई भी क्लासेस आपको स्किप नहीं करनी है, ठीक है? और ये अगर आप इस तरीके से आप रणनीति बना रहे हैं तो जो बच्चे MP सेट वाले हैं श्योर है कि वो आसानी से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है? ये चीजें आप ध्यान रखें खासकर, ठीक है? चलिए, अब आप लोग जरा मुझे बताएं कि कोई चीज अगर आपको और भी कुछ चीजें पूछना है तो आप पूछें। सर ये अरहंत वाले क्वेश्चन आप ही करवाओगे? हाँ, वो मैं करवाऊंगा, उसको मैं करवाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं कोई क्वेश्चन वगैरह करवाता हूँ तो उसके पीछे कई भी चीजें होती हैं, मैं उसको देख के करवाता हूँ, है ना? तो याद रखें आप सभी लोग, ताकि ये प्रश्न गलत ना हो जाए आपको, है ना? इसलिए मैं आपको हरियंत की किताबों को टच मत करिए इस समय। हरियंत की सिर्फ ये पन्ना है, सिर्फ थ्योरिकल। हाँ, उसके केवल कंटेंट आप पढ़े। अगर आपने आरपी गुप्ता वगैरह की किताब ले रखा उसको पढ़े, सारी है वहाँ पे, है ना? 1200+ वीडियो हो गई है टोटल में सोशल वर्क, है ना? तो आप चाहो तो जाके वहाँ से भी देख सकते हो, बहुत सारे मैंने प्लेलिस्ट में जाइए विजिट करिए, वहाँ से आप क्वेश्चंस करें, थोड़ी सी वीडियो जो है उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, उसके बाद फटाफट तेजी से पढ़ने का प्रयास करें, वहाँ पर भी कर सकते हैं, है ना? यूट्यूब से भी कर सकते हैं, है ना? अगर आपको नेट मिला है 1.5 GB मिल रहा है तो आप इसमें यूज करो 1.5 GB, है ना? अगर पर डे घर में अगर वाईफाई है तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं, नेट पढ़ता नहीं 1.5 GB। अच्छा, फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, क्योंकि बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट पेपर पर फोकस वगैरह करते हैं, मैं आपको बता दूं यहां पर फर्स्ट पेपर में आप सभी लोग जो है एक हायर एजुकेशन पर बल दें, हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करें इस समय। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे रिसर्च पर ध्यान करें, ठीक है? उस पर बल दें। तीसरी बात आपको रखना है टीचिंग एप्टीट्यूड पर बल दें। चौथी बात आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन पर, इस पर बात करें कम्युनिकेशन पर। चार आपके टॉपिक हो गए कम्युनिकेशन पर, और साथ ही साथ अगर हम आपसे बात करें, कम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया, हायर एजुकेशन भी हो गया, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट ईवीएस, ये पांच ही चीज़ें आप इन पर फोकस करें, ठीक है? इनके अगर आप चीज़ें पढ़ेंगे तो ये पेपर में आपके आते भी और बनाए भी जाते हैं। हालांकि आप मालूम है DI वगैरह, क्योंकि आप लास्ट में का ही मार के आते हैं DI पर, है ना? क्योंकि बड़ा लंबा क्वेश्चन होता है DI का, अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते हैं तो कम से कम मान लीजिए एक प्रश्न ही आपको 5 से 10 मिनट चलेगा, है ना? छोटे छोटे आते सर, अनुपात पूछ लेते DI में, बहुत छोटे आते हैं। इस बार हम देखो बहुत बहुत बच्चे होते हैं जिनके DI होते, कभी कभी अनुपात पूछ लेता है, कभी कभी योग पूछ लेता है, औसत का योग पूछ लेता है, कुल पूछ लेता है, वैसे वो तो देखने के बढ़ रहते सर, बाकी सॉल्यूशन तो 1 मिनट के अंदर ही हो जाते हैं। हाँ, देखिए जिनको जिनको मैथमेटिक्स वगैरह आती है, जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, उनके लिए भाई ठीक है ना, कि भाई उसमें DI में प्रतिशत लाभ हानि, ठीक है, ये इस पे ज्यादा बल दिया जाता है, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, एक अंतर निकालने का हो गया, औसतन निकालने का हो गया, तो वो बेसिकली प्रश्न आते हैं। यदि आपको आते कोई बात नहीं, अच्छी बात है ना, परंतु मैं ये कहूंगा कि जिनको अगर इसमें DI में वीक है तो आप समय मत व्यतीत करिएगा DI पर, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप उस पर समय व्यतीत ना करें, और जिनको DI आता है उस पर प्रैक्टिस करें, उन पर प्रैक्टिस करें, ताकि वो भूल ना जाए उनके कॉन्सेप्ट, है ना? DI का कॉन्सेप्ट होता है ना, प्रश्न के आधार पर कॉन्सेप्ट बनता है DI का। DI के ये सोच के जाओ, अगर मैंने कह दिया कि आपको परसेंटेज पढ़ने हैं तो इसका मतलब ही नहीं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ के गए होंगे, परसेंटेज के आधार पर ही तो प्रश्न बनाए जाए, तो उसमें ना अलग अलग प्रश्न का अलग पैटर्न होता है ना, तो प्रश्न ही एक कॉन्सेप्ट होता है, वो उसमें एक प्रश्न ही कॉन्सेप्ट बन जाता है याद, परंतु मुख्य बातें तो उसमें परसेंटेज लाभ हानि यही चीज़ें ज़्यादातर, और एवरेज औसत इत्यादि जो 1-4 पॉइंट हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, और उसमें भी एक ही प्रश्न के अंदर 2-3 कॉन्सेप्ट के साथ आ जाते हैं एक प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है? तो ये पार्ट ए पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये पेपर 1 आपका यूज,
कभी है और यमपिक है, कभी एपिक पर बनता है, ठीक है। बाकी रीजनिंग वगैरह आपको पता ही होगा, इजी होगा, और रीजनिंग वगैरह चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सर, सकते हैं ये दो प्रश्न पर। एमपी सेट में भी यही रहेंगे टॉपिक सब हाँ एमपी सेट फर्स्ट में भी, पेपर के? एमपी सेट में भी तो फर्स्ट पेपर है, सेट में भी तो फर्स्ट पेपर यही है, ठीक है। एमपी सेट में फर्स्ट पेपर यही है ना, अलग नहीं, ठीक है। ठीक और कुछ पूछना है पूछ लीजिए। और बस कुछ नहीं सर। बस तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, और ऐसी ऐसी कहे कोई मतलब जो रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने पर आपको बल नहीं देना है कि भाई हमें रट्टा मार के इस चीज़ को याद करना है ना। पहली बात रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है, जब भी कोई चीज़ें पढ़ाई या स्टडी करें तो एक जरूर शेड्यूल बना लें, हमें इतनी टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। उसके बीच ना ही आप किसी से बात करें, ना ही कोई शोर शराबा वाली जगह पे रहें, ना आप कोई बुला सके, ऐसी जगह पर आप बैठें लोगों को बता दें हम जा रहे हैं स्टडी करने के लिए, है ना, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पढ़ते वक्त अपना ध्यान जरूर केंद्रित करें, कोई इधर उधर की बातें सोचना, उसके बाद विचार विमर्श करना देख मतलब एक प्रकार से नकारात्मकता आ जाती है, इस वजह से नकारात्मकता को भी आपको दूर ही रखना है, ठीक है। और समय बना के जब भी आप पढ़ें तो टाइम जरूर बना के, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे आप सोएं, बस इस सब ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 घंटे ही आप लें, ये खास कर आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो भी आप आहार ले रहे हैं, नाश्ता ले रहे हैं या लंच कर रहे हैं, पौष्टिक आहार लें, ये 15 से 20 दिन ऐसा करें, श्योर है कि आप 90% के बीच में जरूर आ पाएंगे। और जब भी कोई टॉपिक वगैरह ना तुरंत समझ में आए तो आप तुरंत ग्रुप में मैसेज डालें, है ना, तुरंत, और वो सारी चीज़ें होंगी। डिस्टर्ब करने वाली चीज़ों को दूर रखें, अगर अगर आपको लगता है थोड़ा सा समय तो पार्क वगैरह जाकर टहल लीजिए, है ना, फ्रेश वगैरह के लिए, है ना, तो उससे भी क्या होता है थोड़ा सा बना रहता है सारी चीज़ें, है ना, पॉजिटिव चीज़ें बनी रहती हैं। अच्छे लोगों से बात करें जो आपको एक प्रकार से ये बताए कि हाँ अच्छी बात है, कि आपको जो आपको मोटिवेट कर सकते, है ना, ऐसे लोगों से बात करें, बाकी जो आपको पता है कि नकारात्मकता वाली बात करता है उनसे दूर ही बना रहे हैं, उनसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा ज़्यादा 15 से 20 दिन निकलिए, उसके बाद तो रहिए उनके साथ भी, कोई दिक्कत नहीं, इस समय आप बचें ऐसे लोगों से, उनसे दूरी बना के रहिए। और प्रश्न कभी भी आपको बता दूं, यूजीसी नेट में टफ प्रश्न आता है, टफ प्रश्न वो होते हैं जिनको प्रश्न आते नहीं, उनके लिए टफ होते हैं। तो आपको सारी चीज़ें आती हैं, तो आप तो केवल रिकॉल कर रहे हो, आप केवल उनको पढ़ रहे हो, ध्यान में रख रहे हो उस चीज़ों को, बस यही मैं करवा रहा हूँ आपको, इतना करके देखिए, देखिए ना रिजल्ट अच्छा है तो। तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों पर, अब प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न हमारे सामने पहला यह है कि चिकित्सकीय समाज कार्य का प्रायः किस विधि से संपादित किया जाता है, केस यानी व्यक्तिगत कार्य विधि, सामूहिक कार्य विधि, सामुदायिक कार्य विधि, जब भी कोई क्रिया प्रक्रिया संचालित की जाती है तो वो इंडिविजुअल भी दिया जाता है, ग्रुप वर्क में भी दिया जाता है, कम्युनिटी वर्क में भी दिया जाता है, तो ये प्राथमिक पढ़ने ऑलरेडी इसमें आ जाते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि चिकित्सीय समाज कार्य कहाँ से संपादित होता है, एक तो अस्पताल से होता है, दोनों जगह से, अस्पताल का हॉस्पिटल से, और दूसरा चिकित्सीय अभिकरण यानी एजेंसी से होता है, और मैंने पता है प्रशासन से होता है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ए और बी दोनों। अगला सवाल है कि चिकित्सीय समाज कार्य का प्रमुख लक्ष्य है वह जिसमें चिकित्सा के बाधक मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करे, बिल्कुल सही बात है, चिकित्सा में आए जो व्यय की मांग है स्वयं सेवी संस्था करे, बिल्कुल ये प्रमुख लक्ष्य है, मनोरोगी की पहल पर चिकित्सा सुविधा दी जाए, बिल्कुल आयुर्विज्ञान के विकास के साथ स्वास्थ्य के कौन सा महत्वपूर्ण पक्ष रहा है, शारीरिक मानसिक सामाजिक, कहता है कि वैज्ञानिकों द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि रोगी के स्वास्थ्य सुधार में दवा का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसकी किन परिस्थितियों का, मानसिक और सामाजिक, मानसिक और सामाजिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में कि
समाजकारी का लक्ष्य होता है कि वैद्यकीय सुविधाओं का उपयोग रोगियों के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद तथा सरल बनाना है। और कहता चिकित्सा में बाधा मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करने की यह परिभाषा किस विद्वान की करती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब दिलाएगा प्रोफेसर राजाराम शास्त्री का नाम। मैंने आपको पॉइंट पॉइंट के रूप में बताया गया फिर मनोसामाजिक दशाओं का निवारण करना है। ये मैंने तीन बातें राजाराम शास्त्री की पाठा वही बातें यहाँ पर चिकित्सकीय समाजकार्य का विकास सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, इंग्लैंड। इंग्लैंड, इंग्लैंड सर। बिल्कुल, यहाँ इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। चिकित्सकीय समाजकार्य की अवधारणा यूरोपीय एवं किस महाद्वीप के देशों के माने अफ्रीका, दक्षिण एशिया के देशों या अफ्रीका देशों या सभी? सर ए, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। किस महाद्वीप की बात की जाए है कि भी आप ध्यान रखिए यहाँ पर सही जवाब जाएगा। देखिए बैकग्राउंड आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राज्य अमेरिका ने चिकित्सकीय समाजकार्य प्रारंभ करने का श्रेय दिया था। देखो अमेरिका में अगर चिकित्सकीय समाजकार्य का अगर प्रारंभ या आरंभ का जो श्रेय जाता है तो किसको जाता है? ऑल मोनर्स को होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब, सही जवाब, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों का उद्भव माना जाता है, जॉनसनों को या जॉन मार्शल को या बेजहॉट का या चार्ल्स मुनरो का? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्यों के उद्भव में 19वीं शताब्दी के दौरान में ये प्रक्रिया में देखने को मिली। 19वीं शताब्दी में जॉन स्नो ने किस देश में हैजा का प्रकोप को समाप्त करने की सहायता की बात की? इंग्लैंड, अमेरिका, इंग्लैंड। सर्वप्रथम चिकित्सकीय समाज कार्य बीजिंग में कब प्रारंभ किया गया था? मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को बताया कि है 1921। सही जवाब यहां पे जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में समाजकारी के संदर्भ में सर दौराबजी टाटा जी जो थे 1936 1936। भारत में सर्वप्रथम किस संस्थान के द्वारा चिकित्सकीय समाजकारी का प्रशिक्षण दिया गया? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसकी स्थापना 1936 मुंबई महाराष्ट्र। नाम परिवर्तन की बात आती है जब 1944 बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति द्वारा किस वर्ष प्रशिक्षित चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर? सर 1944 क्या लिखे हैं? नाम परिवर्तन, नाम परिवर्तन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। सर 1948? नो, 42। प्रश्न आपके सामने बड़ा ही सरल सा है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति और किस वर्ष चिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पर बल दिया था? 1945।
आपको बता दूं, जो ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं विकास समिति है, इसके नाम भी, जैसे भोर समिति का नाम सुना होगा, मैंने साथ पढ़ाया भी आपको, बता रहा था, भोर समिति, तो उसकी स्थापना हुई तो 1945 में, और चिकित्सा समाज कार्यकर्ताओं पर जो बल दिया गया था 1945 में। तो दो बातें ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं 43 वाला, इसकी स्थापना है, और 45 वाले में चिकित्सा समाज कार्यकर्ता की आवश्यकता पर बल है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट जाएगा, ठीक है ना। वर्ष 1946 में जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पहले सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई, और किस शहर में स्थित है ये? मुंबई। मुंबई जी जी। जेजे आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो जाइए, कई बार मैंने आप लोगों से बोल रहा हूँ, आप लोग म्यूट नहीं हो रहे हैं, दिक्कत हो रही है बैकग्राउंड में। मैंने आप लोगों को पहले भी इसके बारे में बता रखा है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार से ग्रांट मेडिकल कॉलेज है, जो सर जे जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, जमदेश जी सर, जमशेद जी, जी जी भाई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के नाम से ये जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सर करेक्ट कौन सा जाना चाहिए आप बताएं जरा अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी 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 बी। 20वीं शताब्दी के आरंभ में समाज कार्य के अंतर्गत मनोचिकित्सकीय समाज कार्य की शाखा की उत्पत्ति हुई, तो कहाँ पे हुई थी? मानसिक रोगियों का अंतरंग अध्ययन किया है, नाम बताइए। मैरी गैरेट। मैरी गैरेट। मैरी का नाम आप बता रहे हैं, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसमें ए और बी में तो दोनों यही लिखा हुआ है, मैरी गैरेट और मैरी गैरेट। मैरी गैरेट। यहां जो जवाब जाएगा आपका बी ऑप्शन होना चाहिए सर, बी गैरेट। अच्छा बी होना चाहिए, और ए में भी गैरेट है। यहां मानसिक रोगियों के अंतरंग अध्ययन पर बात किया है ना, मानसिक रोगियों की अंतरंग की बात की गई है, एक प्रकार से अध्ययन की बात की गई है, और हमारे सामने है बोस्टन साइकोपैथिक। बोस्टन साइकोपैथिक, और सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी वाला, सुमेरी कैरेक्टर, ठीक है, ना कि ए वाला जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? बी। समाज सेवा विभाग की स्थापना मैसाचुसेट्स की जनरल हॉस्पिटल किस वर्ष किया गया था स्थापित? 1905। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब 1905 यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वप्रथम मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति किससे संबंधित विभाग में की गई थी? बच्चों से। ऑप्शन नंबर ए। सामाजिक कार्यकर्ता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, इसमें बताना है आपको कौन सा नहीं। देखिए, एजेंसी के नीति निर्धारण कार्यक्रम नियोजन में सहभागिता देगा, ये होगा सर। सामुदायिक संगठन में सहभागिता देगा, ये भी होगा सर। सहयोगी होगा, ये भी होगा। डी नहीं होगा सर, बाकी सब। निर्देशन और परामर्श को सेवा प्रदान किया जाएगा, डी नहीं होगा, नेगेटिव है। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के कार्यों के संबंध में किस या किन विचारकों ने अपना मत व्यक्त किया था? देखिए, बड़ा अच्छा नाम है, मैंने प्रोफेसर एचएस पाठक, सुल्भा मधुदेव वाडे, भी दोनों है सर, प्रोफेसर राम मिस्टर एचएस पाठक, सुल्भा मधुदेव वाडे। बिल्कुल, यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं जो है, अगर हम बात करें यहाँ पर बी वाला दिया गया, प्रोफेसर राम मूर्ति मिश्रा के बारे में, प्रोफेसर राम मूर्ति मिश्रा के बारे में दिया गया है।
लेकिन यहाँ सवाल हमारे सामने दिया गया है कि चिकित्सा समाज कार्यकर्ता के कार्यों के संबंध में किन विचार को रखना पड़ दिया था। देखिए मैं आपसे कहूँ ना, यहाँ आपका ये बी नहीं होना चाहिए था, यहाँ ए और डी होना चाहिए। जी सर, ए और बी दोनों है। ए और डी होना चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा कि ए और डी है, ये राम मूर्ति मिश्रा नहीं है, इसको काट दें, बाकी आप ए और डी को लगा दें। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता के प्रशासन संबंधित कार्य बताना है आपको, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये प्रश्न है आपके सामने, जरा जवाब बताइए। अभिलेख रजिस्टर उपरोक्त सभी होगा सर, ये कर्मचारी गणों के अधीक्षण और उसके सभी सर सलाह देने के संबंध में कार्य सर सभी होंगे, उपरोक्त सभी सही होगा सर। यहाँ आपने जो जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, ये सही है। 25 पे चिकित्सकीय समाजकारी में सामूहिक समाजकारी प्रणाली के प्रयोग संबंधी जो कार्य है वो कौन सा नहीं, इसकी प्रश्न यही है ना, कौन सा नहीं है। हाँ, तो कह रहा रोगियों को समुदाय के साथ सामंजस्य की स्थिति मिलाना, ये तो सही है। फिर कहता आपसी स्वीकृति इसके वातावरण के रोगियों की समस्या को सुलझाना, ये भी सही है। ये सही है। आपसी सहयोग की प्रक्रिया के माध्यम से रोगियों को संवेगात्मक अभिवृत्ति, ये भी सही है। प्रश्न में आपको नहीं हटा दिया चाहिए, है ना। अब अगर हम बात करें समाजकारी प्रणाली का प्रयोग संबंधित कार्य कौन सा है, सभी हो जाएंगे। यहाँ प्रश्न में मिसप्रिंटेड है, नहीं सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में क्या सम्मिलित होगा, अन्वेषण, विश्लेषण, निर्वचन या सब? सभी होगा सर। चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता जो है सेवार्थी की समस्या की वास्तविक स्थिति को समझते हुए क्या कार्य करता है ताकि वह पुनः स्वास्थ्य एवं समस्या रहित हो जाए, बताइए। सर निर्देशन सर, पुनर्सांत्वना। हाँ, और बड़ा आसान सा सवाल था इसमें। जी सर, कीवर्ड पुनः जो रिप्रेजेंट करता है पुनर्संतावना को, ऑप्शन नंबर आपका सी सही जा गया, बाकी ऑप्शन जी सर बाकी ऑप्शन तो है गलत। अभी मैंने आप लोगों को हाल ही में इसके बारे में पढ़ाया, पढ़ा है। हाँ, पुनर्संतावना कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे कार्यकर्ता सेवार्थी के समस्या के वास्तविक को समझ के बार बार उसे संतावना देता है, आश्वस्त कराता है कि वह जो है पुनः स्वास्थ्य के लिए समस्या कंसोलेशन बताया था। हाँ, वह एक प्रकार का क्या कहलाता है, संसाधनों का उपयोग भी होता है जब सेवार्थी और रोगी की समस्या का समाधान के लिए कार्यकर्ता द्वारा उपयोगी और मानवीय सामुदायिक एजेंसी से संबंधित साधनों का जब प्रयोग मिलाते हैं उसको बोलते हैं संसाधनों का उपयोग बोलते हैं। निर्देशन भी है, निर्देशन मतलब ये होता है भाई कि कोई कार्यकर्ता व्यावसायिक संबंधों की सीमा का उल्लंघन कर देता है तो बिना रोगी क्यों कोई विशेष भावना या स्थिति या रोग के उपचार के प्रति मनोवैद्या के नियंत्रण के लिए एक निर्देश देना पड़ता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिवेशन, प्रोत्साहन, ये तो आप जानते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर। कार्यकर्ता सेवार्थी की आंतरिक शक्ति क्षमता संवेग सामर्थ्य तथा उसके समुचित उपयोग की क्षमता को विकसित करता है ताकि समस्या का पूर्णतः समाधान हो सके, बताइए क्या करें? ऑप्शन ए सर, ए अंतर्निर्देशित का विकास, अंतर्दृष्टि का विकास। यहां सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि का विकास। उपचार के बाद जो है जब रोगी घर जाता है तब चिकित्सालय घर तक पहुंचने के बीच किस प्रकार का व्यवस्थापन हो सकता है, ध्यान से सुनिए। उपचार हो गया, रोगी घर जा रहा है, तब चिकित्सालय से घर तक पहुंचने के बीच में किस प्रकार का गृह स्थापना की बात हो, मध्य मार्ग सर, मध्य स्थानांतरण ग्रह सर, बी मध्य मार्ग ग्रह। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी। पुनर्वास का प्रथम पहलू सहायता करता, बताइए।
सर उपरोक्त सभी होंगे, पुराने ऐसा है रुकने देखभाल भी होगी, बाधिता की देखभाल और दैनिक क्रिया के योग्य बनाकर भी है उपरोक्त सभी सर। दैनिक क्रियाकलाप भी होगा, बाधित और श्रम की देखभाल हो जाएगा, रोगियों की देखभाल हो जाएगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 31 मनोचिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ता किस प्रकार, बात को समझिएगा आप सब लोग, प्रश्न हमारे सामने है किस प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं का योगदान करता है। सर उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सर इसमें। ओके ऑप्शन ई भी दिखा रहा है यहाँ पे सभी को, डी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यहाँ पे जन समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य विषय लेखा वार्ता का योगदान भी हो जाएगा, शोध परियोजना का भी हो जाएगा, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का व्याख्यान भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जवाब यही आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ हमारे सामने ये है कि मानसिक स्वास्थ्य के तात्पर्य क्या हो सकता है, बताइए भावना उपरोक्त सभी सर, उपरोक्त सभी सर क्वेश्चन नंबर 33 है कि अस्वस्थ मानसिक स्थिति के का अपने व्यवहार से प्रभाव पड़ता है तो संबंधों पर, व्यवसायिक परिदृश्य पे, ए बी या इनमें से कोई, ए बी दोनों से। ओके संबंधों पर भी पड़ेगा व्यवसायिक। 34 मानसिक विकार का प्रमुख लक्षण क्या हो सकता है, सब तीनों ही हो सकता है, सभी बौद्धिक नशीली तीनों हो सकता है। 35 कि महामारी विज्ञान संबंधित है, रोगों की पहचान करने से, रोगों के कारण चिन्हित करने के, रोगी के प्रबंधन मार्गदर्शन से, सभी सभी महामारी विज्ञान में पाया जाता है, आंकड़ों के द्वारा बताइए कहने जाए इसका डेटा संग्रह निवारण स्वास्थ्य सभी सभी सर उपरोक्त सभी उपरोक्त सभी। अगला सवाल है महामारी विज्ञानों ने किस प्रकार सहायता की है, बताइए अध्ययन के डिजाइन संग्रह करके, आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण करके, परिणामों की व्याख्या और प्रसार करके, सभी 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 इसमें भी। महामारी विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एपिडेमियोलॉजी ऑप्शन नंबर। महामारी और स्थान विशेष की महामारी में अंतर पहली बार बताया था किसने, महामारी विज्ञान के संबंध में क्या सत्य है, यह केवल ना महामारी रोग से है बल्कि यह सामान्य बीमारी से संबंधित, सही है स्वास्थ्य स्थिति और उच्च रक्तचाप एवं मोटापे के कारण जो है निवारण का अध्ययन करता है, सही है सर। और रोगों सभी हो रहे हैं, हाँ आधिकारिक सभी सभी सर। ओके लक्षण है वो सब आधिकारिक लक्षण सबके ऊपर किस प्रकार प्रभावी होता है, ऑप्शन नंबर डी। एपिडेमियोलॉजी प्राय किस या किन विषय या विषयों से संबंधित हो सकता है, मनोविज्ञान सबसे रिलेट करता है, तभी आपको करेक्ट हो जाएगा डी। अतीत की भौतिक घटना जिससे संबंधित तथ्य और साक्ष्य अभाव हो तो ऐसे में चिकित्सा क्षेत्र में किस प्रभाग की सहायता मानी जाती है, एटियोलॉजी बी एपिडेमियोलॉजी बी एटियोलॉजी महामारी विज्ञान का होगा इसमें, इसमें तो एटियोलॉजी होगा सर, कारणों का अध्ययन किया जाता है ना सर इसमें एपिडेमियोलॉजी में, नहीं भौतिक की घटनाओं का है ना ये, देखो जब हम कभी बात करते हैं रीजन वगैरह के बारे में एपिडेमियोलॉजी में महामारी विज्ञान से संबंधित है वो अलग संबंध में, जब कोई भौतिक घटनाएं होती है तो इसके संबंध में अगर तथ्य का अभाव हो जाए तो हम प्राचीन समय में किस महामारी के स्थान विशेष में विनाश हुआ और इसका ज्ञान किया गया,
उपरोक्त सभी से ही किया जाएगा सर, हेतु से भी, रिसर्च से भी, एपिडेमियोलॉजी से भी। डी ऑप्शन सर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, एटियोलॉजी। एटियोलॉजी को बोलते हैं हेतु की। ये आपका सही रहेगा। महामारी का स्थान जिसमें विनाश हुआ और इसका ज्ञान जो प्राप्त होता है हेतु में, जहाँ पे हम कारण जानने का प्रयास करते हैं। सिज़ोफ्रेनिया एक है, बताइए क्या? गंभीर चिंता अवसाद की विशिष्ट प्रतिक्रिया। गंभीर चिंता अवसाद की विशिष्ट प्रतिक्रिया सर, हाँ यही है, वास्तव ही सही है मेरे हिसाब से। पहला ही सही होगा सर। चिंता, गंभीर अवसाद और विशिष्ट प्रतिक्रिया भी हो सकती है, ठीक है। अवसाद व्यक्ति के प्रारंभिक जीवन में कभी कभी मानसिक आघात लगते हैं तो उसके भावी जीवन के संपूर्ण व्यक्तित्व और संवेगात्मक विकास को विकृति कहते हैं। बताइए। सिज़ोफ्रेनिया मनोभंजन दोनों का है। भाजन और सिज़ोफ्रेनिया दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। जी सर, जी ऑप्शन नंबर आपका ही करेक्ट। जी सर। संवेगात्मक रूप से देखा जाए तो हम पाते हैं कि मानव डैश अत्यंत तनाव संघर्ष की अवस्था होती है। कौन सी सर? प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था। सी ऑप्शन। दूषित प्रौढ़ावस्था का प्रमुख कारण क्या होता है? दूषित प्रौढ़ावस्था की एक प्रमुख कारण क्या होता है सर? उपरोक्त सभी हैं। हाँ, प्रौढ़ावस्था के आगमन के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए ये हो जाएगा। और प्रौढ़ होते इसको संयुक्त प्रयास अलग कर दिया जाता है। आर्थिक स्वलंबन उपरोक्त सभी। समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है? बताइए। सर संस्कृति और परंपराएं, एक और तीन। संगठन तो नहीं होगा। समाज में किसी व्यक्ति को मानसिक रोग से उत्पन्न होने के लिए क्या उत्तरदायी हो सकता है? समाज में किसी व्यक्ति के मानसिक रोग उत्पन्न होने के लिए क्या? संगठन से उसको मानसिक रोग हो सकता है क्या? एक और तीन सर, एक और तीन ही होगा सर, संस्कृति और परंपरा है। संगठन, आपने ये सोचा संगठन में आप अगर काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं है? आते हैं सर। तब तो मानसिक रोग का एक प्रकार से चुगली करना और भी बातें करना, बहुत लोगों को तो इतना इरिटेट हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम अपने संगठन में ही ना जाए तो बढ़िया है, लेकिन मजबूरी है भाई पैसे कमाने के लिए। इतनी यहाँ तक तो बहुत सबसे समझ लीजिएगा आप लोग। दूसरा आपका शामिल रहेगा, है ना? सामाजिक तनाव के अंतर्गत क्या सकते हैं? ए और बी दोनों है सर। समाज जितना सीधा होगा मनोरोग कम होंगे, मानसिक रोग। समाज जितना सीधा साधा होगा मानसिक रोग उतने ही कम होंगे। भौतिक प्रगति के लिए संघर्ष होगा तो तनाव और संघर्ष कम अधिक होंगे। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर ए और बी। निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो मानसिक तनाव या सिज़ोफ्रेनिया का सृजन करते हैं? सभी। बिल्कुल, यहाँ पर सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रजाति भेदभाव, दूषित समाज और सामाजिक तनाव। मनोदशा विकार का अंतर्गत आता है क्या? उपरोक्त सभी आते हैं सर। अवसाद भी आता है, उन्माद भी आता है, उदास मनोदशा। जी सर, सभी 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 सर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी। ये सर यानी जो है हाइपोमेनिया भी आता है, उदास मनोदशा भी आती है, अवसादग्रस्तता विकार भी आता है। हाइपोमेनिया क्या होता है बताएंगे सर? चलो आप बता दीजिए। हाइपोमेनिया
चिड़चिड़ा, दुखी रहना, हर समय परेशान रहना, हाँ, बिना सोचे समझे किसी काम को कर लेना, आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ जाना, कम नींद का आना, है ना, ये बेतुकी होना, तेजी से बोलना, वही उन्माद होता है, उदास मनोदशा जो है, अवसाद जो है, ग्रस्तता विकार, ऑप्शन नंबर डी आप देखें। निम्नलिखित नैदानिक अवसाद का मतलब क्या है, अभिप्राय क्या हो सकता है बताइए। 52 प्रमुख अवसाद ग्रस्तता विकार से है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। यूरोपीय के लिए महामारी विज्ञान का अध्ययन से पता चला कि भाई विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या अवसाद ग्रस्तता से ग्रसित है। 8.5 विश्व भर में मानसिक रोगों या मानसिक विकार से ग्रसित बच्चों की कुल जनसंख्या का अनुपात कैसा है? 10 से 20 ऑप्शन नंबर ए। मनोद एक दैहिक विकार लक्षण जो वास्तव में मानसिक विकार को प्रकट रूप से रिप्रेजेंट करता और क्या कहा जाता है फिर इसको? क्रोमेटो फॉर्म सर, ए ऑप्शन। अभी कल ही आप लोगों ने पढ़ा था मनोदैहिक विकार, है ना। दैहिक विकार लक्षण सोमैटोफॉर्म के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है? देखो स्वाभाविक चिकित्सा सरणी, हृदय चिकित्सा और सभी आते हैं सर। हाँ, ऑप्शन सभी सर, डी ऑप्शन सर, आपका करेक्ट हो जाएगा। एक अनुमान के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2.7 बिलियन, है ना, मिलियन बच्चे मानसिक विकास से ग्रसित, 14.2 का अनुपात क्या हो सकता है? 14.2 13 13 13 मनोदशा विकार के अंतर्गत क्या आ सकता है? सभी आते हैं, ए ए बी सी, अभी तो आया था ऊपर शायद क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी बीमारी या बीमार का तनाव उत्पन्न नहीं मानी जाती है? स्मृति लोप, इसमें कहा तनाव से उत्पन्न नहीं माना जाएगा उसे। तीन और चार मोराइसिस और मिनीमाता, मेनिनजाइटिस और मिनीमाता, ऑप्शन सी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, मेनिनजाइटिस, नाम तो सुना होगा, रोग है एक प्रकार का, ये बीमारी है, दिमाग और रीढ़ की हड्डी की झिल्ली का भी सूजन आ जाती है आमतौर पर, संक्रामक कारण माने जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ना, इसके बारे में मेनिनजाइटिस कहा जाता है, तीन झिल्लियाँ होती हैं मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढके रहती है, और एक होता है मिनीमाता जिसे कभी कभी मिनीमाता रोग के रूप में जाना जाता है, चिस्सो, और एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा के रूप में या रीजन के रूप में दिखाई देता है। तो न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ये, याद रखना, ठीक है, बताइए जी सर। पारा विषक्तता का कारण बनता है, इसको क्या बोलते हैं? पारा विषक्तता, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा नहीं था, ऑप्शन नंबर आपका ये वाला। तो मानसिक विकारों वाले बच्चों की किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? सभी सर, बिल्कुल, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन करने का कलंक है, अलगाव और भेदभाव के साथ भी है, शिक्षा सुविधा तक पहुंच की कमी बताता है, उपर्युक्त सभी बताता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। भारत में मानसिक बीमार और मानसिक जो है आसक्तता ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों को जो है शासित करने वाले का अधिनियम सर, ए और बी दोनों है, ट्रस्ट भी है और स्वास्थ्य अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य, ए बी, ए बी,
राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 का है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो है 1987 का है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का याद रखिएगा। बताइए जरा यहाँ पे कि इस प्रावधान के अंतर्गत कहा गया कि विधिक सेवा संस्थान उन सभी मामलों पर नजर रखेंगे जिससे कि कोई भी औपचारिक रोगी मनोचिकित्सक अस्पताल भवन या सुविधा केंद्रों में चूक से भी ना रह जाए। तो पहला धारा 25 आपका कि भाई विधिक सेवक संस्थान 19 धारा, फिर धारा 20, 22, 25। ऑप्शन बी धारा 20। धारा 20 होगा बिल्कुल। चलिए 63। बचपन में करंट लगने से शेष जीवन में बिजली से डरना क्या कहलाता है? दोषपूर्ण किशोरावस्था, दोषपूर्ण किशोरावस्था, प्रारंभिक मानसिक आघात बी। आवश्यक मात्रा में निर्देशन ना प्रदान किया जाना, प्रारंभिक वचन। संवेगों का निश्चित और अनिश्चित और अनियमित हो जाना, प्रारंभिक मानसिक आघात। सर प्रारंभिक मानसिक आघात बिल्कुल। और आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए या उससे पहले भूल ही पिता को बन जाना, दूषित प्रौढ़ावस्था। चलिए अंगीकरण बताइए क्या होता है। अंगीकरण व्यावसायिक सीमा के अंतर्गत आत्मीकरण के संबंध को स्थापित करता है। सामान्यीकरण जाता है कार्यकारण संबंधों के मध्य जो है अंतर संबंध स्थापित करने हेतु सेवार्थी के संबंध स्पष्ट करना। सरलीकरण क्या होता है? भ्रम तथा अज्ञानता के कारण होता है, इसको विशिष्ट समझना। क्या हो सकता है? सर भ्रम तथा अज्ञानता के कारण कष्ट बनाएगा ना, विशिष्ट समझना। सर तो थर्ड होगा, हाँ। रोगी की प्रमुख समस्या के अंश को चुनकर उसका समाधान आपका होगा थर्ड। तदात्मिकरण की प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे, भ्रम तथा अज्ञानता के कारण रोग को विशिष्ट समझना। ऑप्शन कौन सही आ रहा है? सर 2, 4, 1, 3 बी तो है बट आपने वो एक था। बी जा रहा सर, जी वाले का एक है ना। सर सी का एक ही होगा, हाँ। तो डी का 4 होगा, डी का 3 सॉरी, डी का 3 सेकंड ऑप्शन। समाज में मूलभूत आपराधिक कार्यों पर आधारित क्या हो सकता है? दूषित पड़ोस होगा ना सर, पास पड़ोस में अगर बात करें तो जाहिर दूषित पड़ोस। समाजों के अनवरत युद्ध के फलस्वरूप उत्पन्न भय को क्या कहेंगे? समाज लिखा है शासक वर्ग द्वारा विभिन्न प्रजातियों के मध्य भेदभाव, दूषित समाज, प्रजाति भेदभाव, जाति भेदभाव लग रहा है, दूषित विभिन्न प्रजाति। डी का सेकंड होगा शायद। पहले का आपका प्रजाति, दूसरे का आपका 4, तीसरे का आपका 1, चौथे का आपका दूषित समाज तो कहते सर। ऑप्शन बी कौन सा ऑप्शन गया है? ऑप्शन बी सर। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1937 में मनोचिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति हुई थी? यस जी सर, यस। 1950 के दशक
स्नातक में डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में स्नातकोत्तर स्तर पर मनोचिकित्सकीय समाज कार्य का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था। 50 स्थान बोला गया है। प्रशिक्षण के संबंध में संस्थान हैदराबाद तथा दिल्ली में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर। कहाँ हुआ था बताना? नहीं बता सही। गलत है। एक और दो सही है सर। ऑप्शन सी। पुनर्वास के अंतर्गत रोगी के असाध्य रोगों की अपनी देखभाल में सक्षम बनाकर उन्हें किसी भी कार्य में व्यस्त कर सही। मानसिक आरोग्यता अनुसंधान संस्थान बेंगलोर में है। हाँ। भारत में मानसिक चिकित्सालय के बहुताया पाया जाता है। सभी करेक्ट हो जाएगा। 67 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। मनुष्य किसी सामाजिक कार्यकर्ता की परिभाषा सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा दी गई थी? सही है सर। किसी समाजकारी समाजकारी की विशिष्ट शाखा है? बिल्कुल सही है। समाजकारी की वह शाखा जिसका संबंध मनोचिकित्सा विज्ञान से होता है? बिल्कुल सही है। भी है। सही है सर। सभी हो जाएगा। 69। वर्ष 1917 में बोस्टन साइकोपैथिक चिकित्सालय के निदेशक पद पर सू मैरी गैरेट को नियुक्त किया गया था। सही बात है। और 1926 तक में मनोचिकित्सीय सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सालयों मानसिक स्वच्छता एवं बाल निर्देशन तकनीकों या क्लिनिकों पर कार्य करने लगे। सही है। ये भी है। 1926 1905 में समाज सेवा विभाग की स्थापना हुई थी। ये भी सही है। आज का 70 नंबर का सवाल और आखिरी सवाल। निर्वचन के अंतर्गत कार्यकर्ता जो है अस्पष्ट तथ्यों पर विचार करता है। सही बात है। सही सर। कहाँ से सही है? निर्वचन के अंतर्गत कार्यकर्ता अस्पष्ट तथ्यों को विचार करता है। गलत है सर। ये स्पष्ट गलत है सर। मैंने अस्पष्ट लिखा है। स्पष्ट सोचा था। स्पष्ट है सर। के अंतर्गत रोगी के प्रमुख समस्याओं को चुनकर उसके समाधान का प्रयास किया जाता है। कार्यकर्ता सेवार्थी के साथ वस्तुनिष्ठ तथा समुचित विश्लेषण संबल कराता। संबल संबल पढ़ाया। संबल तो उपचार की प्रक्रिया में प्रविधियों का प्रयोग करती है जिसके द्वारा मनोबल आत्मविश्वास ज्ञान आत्मविश्वास बढ़ाना संबल अपनी समस्याओं का निराकरण करने में स्वयं सक्षम हो जाता है। ये कहां बात है विश्लेषण वगैरह का? गलत। केवल दो पता है। 70 में से कुल कितने क्वेश्चन सही गए हैं आप लोगों को पता है यार? इतना ध्यान नहीं रहता है सर। लिखा करें अपने कॉपी पर। थोड़ा सा बताया करें तो लास्ट में किन दिया करें कौन सा सही जवाब दिया आप लोगों। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए। 70 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। शाम को आप लोगों का चलेगा जो है वृद्धावस्था के बारे में बात करेंगे। जरड़ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जरड़। थैंक यू सर।